देखिए बिग बॉस के घर में टॉप फोर कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। अब इन टॉप फोर में से मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार राहुल वैद्य को वो कौन से लोग हैं इंडस्ट्री के जो सपोर्ट कर रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। टॉप फोर की बात की जाए तो रुबीना दिलेख, राहुल वैद्य और राखी सावंत और एली गोनी, ये चार लोग टॉप फोर में आ चुके हैं। और ये पहला ऐसा सीजन होगा जहां पर फिनाले वीक में या फिनाले वाले दिन पर टॉप फोर लोग रहने वाले हैं, नहीं तो हर बार टॉप सिक्स और टॉप फाइव में ही रेस रहती है। सो यहां पर आपको बताऊंगी कि आखिरकार कौन से वो इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है अरमान मलिक, जो कि खुद भी एक सिंगर है। सोनू कक्कड़, जो कि टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की बहन है। अभिजीत सावंत, शहनाज गिल भी बीच में जब मुझे आपका वो करने आई थी और प्रमोशंस करने के लिए आई थी, तब उस समय पर उन्होंने भी राहुल को ही सपोर्ट किया था। सारा खान, ये भी राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही है। सोनाली फोगाट, शान, मिका सिंह, आकांक्षा पुरी और मराठी और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रेयास तालपड़े और हिमांश कोहली, जो कि नेहा कक्कड़ के एक्स रह चुके हैं, आप जानते हैं उन्हें, काम्या पंजाबी एंड द वन एंड ओनली दिशा परमार। जी हाँ, दिशा परमार ने भी हाल ही में काफी सारे दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, आई डोंट नो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, लेकिन इनके साथ में एक वीडियो शेयर किया है जहां पर उन्होंने इस बात की डिमांड की है कि राहुल वैद्य के लिए प्लीज 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 वोट कीजिए, क्योंकि एक ही हफ्ता है, चार दिन है, तो वोट कीजिए यार। अगर आप लोग भी राहुल वैद्य को पसंद करते हैं तो ये लोग भी अपील कर रहे हैं, अगर आप लोग भी राहुल वैद्य को पसंद करते हैं तो आप लोग वोट कीजिए राहुल वैद्य के लिए ताकि वो पहुंचे ट्रॉफी तक। सो गाइस, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और हो सकता है इसमें से आपका कोई फेवरेट सितारा हो इसलिए आप राहुल वैद्य को सपोर्ट कर दें, तो जो भी हो आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बिग बॉस और बॉलीवुड की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।